दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि कोई तारीफ कैसे एक्सेप्ट करनी चाहिए, बल्कि जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम जाने अनजाने में उसी की ही इंसल्ट कर बैठते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जब कोई आपसे कहता है कि आपका शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है तो आपका रेस्पॉन्स होना चाहिए थैंक यू, बल्कि हमारा रेस्पॉन्स होता है ओ ये शर्ट तो मुझे उतना पसंद नहीं है, मम्मी ने गिफ्ट किया था तो दिल रखने के लिए पहन लिया। और ऐसा कहकर आप सामने वाले की डायरेक्टली इंसल्ट कर रहे हो ये बता के कि उनका टेस्ट जरा सा भी अच्छा नहीं है। यहीं अगर आप तारीफ करने वाले को सिर्फ थैंक्स बोल दोगे तो उसके नजर में आपकी एक बहुत अच्छी इमेज बनेगी, एक जेंटलमैन वाली इमेज। बल्कि थैंक्स यहाँ तक ही नहीं, जब रेस्टोरेंट में वेटर आपके लिए ऑर्डर लेके आता है तभी भी आपको उसे थैंक्स बोलना चाहिए, और जब पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी दे तभी भी आपको उनको थैंक्स बोलना चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार वेटर का तो काम ही है ऑर्डर लाना और पेरेंट्स का तो काम ही है बच्चों को पैसे देना। नहीं, जब आपके लिए कोई बहुत छोटा सा भी काम कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे ये पता चलता है कि आप एक जेंटलमैन हो और उनके द्वारा आपके लिए की गई मेहनत कोई बेकार नहीं गई है। और सेम चीज तभी भी अप्लाई होती है जब आपके लिए कोई गिफ्ट लाता है। अरे इसकी क्या जरूरत थी, शूज तो मेरे पास पहले से ही है, अरे यार ये कलर का शूज तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, ये भी एक इनडायरेक्ट इंसल्ट है गिफ्ट देने वाले की। दोस्तों, इसीलिए जब भी किसी जेंटलमैन को एक गिफ्ट मिलता है तो उसे थैंक्स बोलते हुए एक्सेप्ट कर लेता है। दोस्तों, हमें अक्सर क्या लगता है कि जब कोई हमारे लिए कुछ काम कर रहा होता है तो हमें उसे प्लीज कहने की जरा से भी जरूरत नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान जो आपको किसी भी प्रकार की सर्विस दे रहा है, चाहे वो आपका वेटर हो, प्लम्बर हो या फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ही क्यों ना हो, वो लोग आपका प्लीज और थैंक यू डिजर्व करते हैं। जब आप इनको प्लीज कहोगे तो आप जेंटलमैन तो लगोगे ही, बल्कि ये लोग आपका काम अपने पूरे दिल से करेंगे। अब दोस्तों, मानो आप एक रेस्टोरेंट में हो और ऑर्डर देते समय वन बर्गर की बजाय अगर आप वन बर्गर प्लीज बोलोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ऑर्डर मिलने के बाद हमें थैंक्स कहना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इसका तो काम ही है ऑर्डर देना, तो इसको अप्रिशिएट करके क्या फायदा। एक और चीज जो बहुत कम लोगों को पता है कि अपना मुंह बंद कैसे रखें। एक जेंटलमैन हमेशा अपनी कोशिश करता है कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आ ही जाता है जब जाने अनजाने में सामने वाला इंसल्टेड या फिर इग्नोर्ड फील करने लग जाता है। और मान लो अगर आप किसी पार्टी में इनवाइटेड हो तो उसके बारे में बहुत संभल के बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला उस पार्टी में इनवाइटेड ना हो और ये बात सुन के वो इंसल्टेड या फिर इग्नोर्ड फील करने लग जाए। इसीलिए किसी भी अपकमिंग पार्टी की बात तब तक ना करो जब तक आपको ये श्योर नहीं हो जाता कि सामने वाला इनवाइटेड है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि ये कोई भी बात अपने पेट में नहीं रख पाते, और जब वो सामने वाले से बोलते हैं तो सामने वाला बहुत ज्यादा इग्नोर्ड और इंसल्टेड फील करने लग जाता है। और दोस्तों, जब कोई आपके साथ अपना सीक्रेट शेयर करता है, इसका मतलब वो अपनी इज्जत आपके हाथ में दे रहा है, और आपका ये काम बनता है कि आप उस सीक्रेट को सेफ रखो। मगर दोस्तों, आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कौन से सीक्रेट सेफ रखने हैं और कौन से नहीं। मान लो आपका दोस्त किसी बहुत बुरी आदत में पड़ रहा हो तो आपको अपने दोस्त के पेरेंट्स को बताना चाहिए और अपने दोस्त की भी मदद करनी चाहिए उस बुरी आदत से बाहर निकलने में। दोस्तों, चलिए अब कुछ इंट्रोडक्शन एटिकेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मानो आप किसी मॉल में या फिर पार्क में अपने दोस्त के साथ घूम रहे हो और वहीं आपको आपके फादर दिख जाते हैं, तो इससे पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो आपको आपके फादर को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए। और दोस्तों, इंट्रोडक्शन करने का भी एक तरीका है, आपको हमेशा छोटे को बड़े से इंट्रोडक्शन कराना चाहिए, फिर बड़े को छोटों से। जैसे आप ये बोल सकते हो कि डैड, ये मेरी फ्रेंड प्रिया है, ये मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। और डैड को ऐसे इंट्रोड्यूस करा सकते हो कि प्रिया, ये मेरे डैड हैं, ये आईटी में एज अ मैनेजर जॉब करते हैं। और दोस्तों, ये एक जेंटलमैन तरीका है दूसरों को इंट्रोड्यूस कराने का। दोस्तों, आप जब भी किसी डिसेबल्ड इंसान से मिल रहे हो तो आपको कभी भी उनकी डिसेबिलिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी उनसे ये नहीं पूछना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ था, और आपको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप उनकी डिसेबिलिटी को ज्यादा घूरो नहीं। जब आप उनसे मिलो तो आपको उनको नॉर्मल इंसान की तरह ही ग्रीट करना चाहिए, जैसे कि नाइस टू मीट यू, क्योंकि जब आप उनकी डिसेबिलिटी को घूर रहे हो तो आप उनकी लाइफ का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देख रहे हो और बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सोचो कि हर इंसान जिससे आप मिलो और मिलते ही वो आपको ये कहे कि आपकी नाक को क्या हो गया, आप इतने मोटे क्यों हो, आपके सर के बाल कहाँ चले गए, या फिर आप इतने पतले क्यों हो। आपको ये पता है कि लाइफ में आपके लुक से भी ज्यादा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और यही सारी चीजें फिजिकली चैलेंज लोगों पे भी लागू होती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे लाइक पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, और दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो।
जाने से पहले अपना कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिए, और जाते जाते धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।